जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने रहे प्रधानमंत्री श्रम योगी के बारे में ठीक है मानधन योजना का तो मानधन डॉट इन स्लैश श्रम योगी लेकर सर्च करेंगे क्रोम ब्राउजर में तो आपको यहाँ पर बहुत नीचे जो है नंबर दिख रहा होगा तो ये बहुत बड़ी नंबर है यहाँ पर डिटेल्स दिख रहा होगा ठीक है तो चलिए डिटेल्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है किसके लिए है तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में किसको मतलब कौन कौन लोग जो है इसको ओपन कर सकते हैं तो पहले बता दें कि इसका जो है अठारह साल से लेकर चालीस साल तक लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको महीने का तीन हज़ार मिलेगा और आपको पंद्रह हज़ार से कम आपका सैलरी होना चाहिए ठीक है ये नहीं कि मतलब ज़्यादा आपका सैलरी है तो आप ये नहीं कर सकते ठीक है और ये जो आपके जो घर में जो है जो भी आदमी इसको अप्लाई करेगा तो आपके घर में सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं होना चाहिए तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है इसके लिए आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए जनधन अकाउंट नंबर विथ आई एफ एस सी ठीक है तो यही है जनधन अकाउंट भी रहेगा तो हो जाएगा सेविंग बैंक भी रहेगा तो हो जाएगा सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड इसमें क्या है तीन हज़ार पर महीना आपको मिलेगा और पेंशन स्कीम जो है सरकार द्वारा भी इसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट जो आपको होगा आपके पेमेंट में जो भी आप जमा कीजिएगा उसमें आप सरकार भी कुछ ऐड करके जमा करें आगे पता करेंगे कि आपको मतलब कितना होगा बेनिफिट्स ऑफ लिविंग द पेंशन स्कीम मतलब जो पहले ही आप छोड़ दीजिएगा कुछ इसका मतलब बेनिफिट्स क्या है तो ये आपको दिख रहा है डेथ होने के बाद जो भी आपका मतलब इसका जो भी इसमें नॉमनी है उसको पूरा पैसा दिया जाएगा ठीक है इसमें बहुत सारा है आप इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको दस साल से पहले आप इसको इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो आपका जो भी जमा किया थीक है वही मिलेगा ठीक है ठीक है बैंक रेट का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा ठीक है सरकार द्वारा जो भी इसका बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा आपको और इसका अगर कंप्लीट हो जाता है पूरा पीरियड दस साल तक मोर देन दस साल तक दस साल तक अधिक हो जाता है तो आपका जो सरकार द्वारा जो भी है उसका जो शेयर जो है कंट्रीब्यूशन जो भी शेयर हुआ है वो आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद चार में दिखा है कि मतलब आपका जो ड्यू डेट यानी अगर कोई भी कारण से अगर ड्यू डेट आता है तो उसमें कुछ टैक्स लगेगा जिसको आप भरना पड़े अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कितने साल की उम्र के जो आदमी हैं वो अप्लाई करेंगे और कितना पे करना पड़ेगा और कितना साल पे करना पड़ेगा और सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी अगर आप अट्ठारह साल के हैं तो आपको साठ साल तक जमा करना पड़ेगा और फिफ्टी फाइव रुपीज़ आपको देना है और फिफ्टी फाइव रुपीज़ जो सरकार जो देगी ठीक है तो दोनों मिला के जो है वन हंड्रेड टेन जो है आपका है, टोटल होगा ठीक है थर्टी टू का है तो आपको एक सौ बीस देना पड़ेगा और टू फोर्टी जो होगा टोटल हो जाएगा ठीक है दो सौ चालीस रुपये टोटल आपका जो जमा होगा जो एक सौ बीस जो है सरकार भी जमा करेगी अगर आप चालीस साल के हैं तो आपको साठ साल तक दो सौ जमा करना पड़ेगा और दो सौ सरकार देगी तो टोटल चार सौ आपका जमा हो जाएगा तो यही है इसका डेटल जो है आप अपने उम्र के हिसाब से देख सकते हैं उसके बाद से लास्ट हाँ में आता हाउ टू अप्लाई जो कि मेन है ठीक है तो पहले इसमें क्या है अपने जो सी एस सी सेंटर है जो नज़दीक में वहाँ पर आप जा सकते हैं इसमें आधार कार्ड सेविंग अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट डिटेल्स एलॉन्ग वि आई एफ सी कार्ड उसके बाद से पासबुक चेक लीप बुक कॉपी, बैंक स्टेटमेंट मतलब तो इसमें जो भी है यहाँ पर ले सकते हैं स्टेप थ्री में है कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट इन केस विल बी मेड टू विलेज लेवल वेली में जो है आपको जो है ये नहीं मिलेगा तो आप जो है आप बैंक में भी जाके ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर बाय फिलिंग डिटेल्स तो हाँ ये देखिए मिडिल नंबर ई मेल एड्रेस नोमनी डिटेल्स विल कैप्चर ठीक है मतलब जो वियली really है जो है आपका जो पूरा जो है ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन कर देगा ठीक है स्टेप सिक्स में है सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी डन सात नंबर में सिस्टम विल ऑटो कैलकुलेट्स मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से वो जो कटता रहेगा मतलब आपका एज जो है सिक्सटी तक नहीं होता है तब तक आपका कटता रहेगा ठीक है जो भी मतलब आपका कंट्रीब्यूशन है वो कटता रहेगा श्रम योगी पेंशन अकाउंट नंबर जो है विल बी जनरेटेड एंड श्रम योगी कार्ड विल बी प्रिंटेड आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो कि आपको हमेशा रखना पड़ेगा वो आपका मतलब वो प्रूफ जाएगा वो आपको रखना पड़ेगा तो बस यही है इसको ऐसे ही आप ओपन करवा सकते हैं बहुत ही सिंपल अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई नाउ है यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो भी एकदम तो सिंपल है यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें सी एस बी वैली है यहाँ से आप कनेक्ट करके से कर सकते हैं और सेल्फ इनोलमेंट यहाँ से आप जो है खुद से आप कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए सेल्फ इनमेंट ओके करते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और प्रोसीड क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका जो 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 इसमें पूछेगा वो आपको भरते जाना है और आपका जो है ओपन हो जाएगा ठीक है मानधन श्रम योगी का तो बस इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ गुड बाय एंड टेक केयर